Assalamu alaikum, Marie Curie PhD seekers, and welcome to the very first video of Marie Curie PhD Guide with your host Ammar Tufail. So let's start. First video is about why should you apply for a Marie Curie PhD project. We can also call this as Marie Sklodowska Curie Actions PhD project or MSCA-ITN. There are three types of Marie Curie ITN projects. The first type is ETN. European Training Network. इस टाइप में तीन से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उन्हें पार्टिसिपेट करना होता है डिफरेंट कंट्रीज से. द सेकेंड वन इज EID, यूरोपियन इंडस्ट्रियल डॉक्टरेट, और उसमें एटलीस्ट जो वन कंसोर्शियम पार्टनर होता है वो इंडस्ट्री होनी चाहिए, नॉन एकेडमिक सेंटर. EID में आपको एटलीस्ट 50% ऑफ योर PhD जो है वो नॉन एकेडमिक सेंटर में यानी इंडस्ट्री में गुजारना पड़ती है. एटलीस्ट इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती. एंड द थर्ड वन इज EJD, यूरोपियन ज्वाइंट डॉक्टरेट. इसमें जो है ज्वाइंट डॉक्टरेट भी मिल सकती है आपको, दो से ज्यादा यूनिवर्सिटीज भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है एटलीस्ट 30% ऑफ योर टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता है एक नॉन एकेडमिक सेंटर में. तो ये तीन टाइप हैं यूरोपियन मैरी क्यूरी PhD की. तो जब भी आप अप्लाई करें तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी टाइप में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए. तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो रिसर्च है, क्योंकि जब भी हम किसी PhD के लिए अप्लाई करते हैं तो हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स को देख के जाते हैं. तो रिसर्च का लेवल हाई है क्योंकि आपको सिलेक्ट करने से पहले आपके सुपरवाइजर्स इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं. टॉप रैंक रिसर्च प्रपोजल सेलेक्ट होते हैं इसके लिए, और दो से तीन इंस्टीट्यूट इसमें इंक्लूड होती हैं प्रोजेक्ट में. और फिर एक साल बाद जब उनको फंडिंग मिल जाती है फिर वो इस PhD पोस्ट को एडवर्टाइज करते हैं ताकि हम लोग अप्लाई कर सकें. सेकेंड पॉइंट इज सैलरी. बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, सैलरीज आर रियली हाई, लेकिन डिपेंड करता है कि कंट्री कौन सा है आपका. जहाँ पे आप 3100 यूरो पर मंथ आपकी बेसिक सैलरी होती है, on top of that you will get 600 euros of mobility allowance, and if you are married you will get 500 euros of family allowance. मैं आपको इतना आइडिया दे सकता हूँ कि 1900 euros से लेके 2500 euros तक जाती है. Then traveling, इसका main जो objective है Marie Curie PhD का, इसमें आप travel करते हो different countries within the Europe and outside the Europe. So traveling जो है इसमें must होती है, और लिखा होता है advertisement में कि आपने travel करना ही करना है. कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपने 1.5 साल जो है वो एक कंट्री में रहना होता है, और 1.5 ईयर आपने दूसरे कंट्री में रहना होता है. या कुछ ऐसा होता है कि जिसमें आपने 1.5 साल एक कंट्री में रहना होता है, फिर 6 माह एक कंट्री में, फिर वापस आके, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज हैं. आप इसमें एट अ टाइम स्टूडेंट भी होते हैं, आप एम्प्लॉय भी होते हैं, क्योंकि ये एक कंसोर्शियम बेस्ड PhD प्रोजेक्ट होते हैं. मोस्टली अप्लाइड होते हैं इंडस्ट्री के साथ, तो आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में या एक कंपनी में आप एम्प्लॉयड होते हैं, एंड देन आप एक यूनिवर्सिटी में एज ए PhD स्टूडेंट भी इनरोल होते हैं. सो आप स्टूडेंट्स के भी जो बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं विद इन दैट कंट्री, और आपको एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो एज ए रिसर्चर. काफ़ी मैरी क्यूरी प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें दो यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो आपको दो यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री भी मिलती है, तो आप दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बेनिफिट्स ले सकते हैं. Then we'll talk about EU blue card. Blue card जो है depend करता है, क्योंकि इसमें salaries काफ़ी high होती हैं, तो different countries में depend करता है कि आपको EU blue card के लिए आप eligible हैं या नहीं. In Germany you can get EU blue card very easily, लेकिन different countries के different rules हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि आप employee होते हैं तो आप tax भी pay करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि Europe में taxation system बहुत strong है, like starting from 30-45% आपके taxes जो हैं वो आपको pay करने पड़ते हैं, लेकिन आपकी सैलरीज जो हैं वो उसी हिसाब से कंट्री कोफिशिएंट फैक्टर्स को कैलकुलेट करके सैलरीज काउंट होती हैं. तो मोर और लेस आपको 1900 के करीब ज़रूर मिलता है. देन आता है जी नेटवर्किंग. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मैरी क्यूरी PhD प्रोजेक्ट्स में कोलेब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो आप डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रेवल करते हो. वो समर स्कूल हो सकते हैं, वो कॉन्फ्रेंसिस हो सकती हैं, वो डिफरेंट अदर वर्कशॉप्स ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, कोई इंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग हो सकती है, जो कुछ आपके करियर डेवलपमेंट प्लान से रिलेटेड होगा आप उसमें जाओगे तो आप नेटवर्किंग के बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे जो आगे हेल्पफुल होते हैं पोस्ट डॉक लेने के लिए भी, और आपको डिफरेंट रिसर्च कम्युनिटी जो आपके फील्ड के अंदर है उनके साथ कॉन्टेक्ट बनाने के. देन ये अप्लाइड रिसर्च होती है. कीप इन माइंड ये बेसिक रिसर्च नहीं होती,
मोस्टली जो मैरी क्यूरी के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अप्लाइड होते हैं विद इंडस्ट्रियल पार्टनर्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ योर मैरी क्यूरी पीएचडी प्रोजेक्ट यू हैव टू फुलफिल सम वर्क पैकेजेस और प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए आपको डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करना पड़ता है. तो ये मोस्टली जो होते हैं वो अप्लाइड रिसर्च होती है इसमें. इसकी रेपुटेशन बहुत हाई है, प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है और दुनिया में माना जाता है. अगर आप यूरोप में आपका प्लान है लॉन्ग स्टे करने के लिए पोस्ट डॉक पोजीशंस के लिए, तो आई होप अगर आप मैरी क्यूरी पे सिलेक्शन हो जाती है, आपकी मैरी क्यूरी पीएचडी प्रोजेक्ट में आप आ जाते हैं, तो आपका फ्यूचर मोस्टली सिक्योर होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैरी क्यूरी पीएचडी स्कॉलर्स मतलब पोस्ट डॉक्स जो हैं उन्हें ईजिली मिल जाती हैं, क्योंकि आप एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप से आए होते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी एक डेवलप हो चुकी होती है. इसमें आप पब्लिक आउटरीच इवेंट पे भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल रिसर्चर्स नाइट होती है सितंबर में डिफरेंट सिटीज में थ्रू द यूरोपियन कंट्रीज, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं अपनी रिसर्च के बारे में, तो आप क्या कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि ये जितना भी पैसा यूरोपियन कमीशन की तरफ से आ रहा है मैरी क्यूरी पीएचडी प्रोजेक्ट में वो टोटली जो है वो टैक्सेशन से आता है, जो लोग टैक्स पे करते हैं. तो इनका मेन पॉइंट भी यही होता है कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वो लोगों को बताएं कि हम क्या रिसर्च करके हैं और इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है. अगर आप चाहते हो कि आप किसी कंट्री में परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करो, तो आप मैरी क्यूरी को बेस बनाते हुए आप कर सकते हो. जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं कि जिनमें आप मोर देन वन एंड हाफ ईयर भी रहते हैं डिपेंडिंग ऑन योर मैरी क्यूरी पीएचडी प्रोजेक्ट. तो ऐसा होता है कि जैसे जर्मनी में रूल है कि अगर आपके पास ईयू ब्लू कार्ड है एंड देन सेकेंडली आप 21 मंथ्स ईयू ब्लू कार्ड पे यहाँ पे रेजिडेंट हैं और आप टैक्स पे कर रहे हैं, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज B1 स्केल की आती है तो आप 21 मंथ्स के बाद परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट रूल है, यू हैव टू चेक फॉर ईच एंड एवरी कंट्री सेपरेटली. देन कंसोर्शियम, मैंने जैसे आपको बताया कि MSCA प्रोजेक्ट जो मैरी क्यूरी पीएचडी प्रोजेक्ट है इसमें 8 से 15 यूनिवर्सिटीज रिसर्च सेंटर इंडस्ट्रीज हैं वो इसमें जो हैं वो काम करती हैं. तो एक आपका कंसोर्शियम होगा, इसकी एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी दिखा दूंगा जिसमें हम देखेंगे कि हाउ टू सर्च फॉर मैरी क्यूरी पीएचडी प्रोजेक्ट्स. लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि एक प्रोजेक्ट में 8 से 15 इंस्टीट्यूट होते हैं, लेकिन जो आपके साथ एफिलिएटेड होते हैं जिसमें आपने काम करना होता है वो एक यूनिवर्सिटी होती है, एक एकेडमिक रिसर्च सेंटर होता है, वन इंडस्ट्री होती है. तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे. देन समर स्कूल्स इनफ होते हैं, क्योंकि एक मैरी क्यूरी पीएचडी प्रोजेक्ट में मोर देन 8 समर स्कूल्स होते हैं 3 साल की ड्यूरेशन में, किसी में 10 भी हो सकते हैं 12 भी हो सकते हैं. तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक साल में 3-4 दफ़ा ट्रैवल करना पड़ता है विद इन दो इंस्टीट्यूट्स जो आपके कंसोर्शियम में हैं. वो 8 से 15 तक इंस्टीट्यूट होते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, तो उसमें आप डिफरेंट अदर कंट्रीज में भी ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये कंसोर्शियम डिफरेंट कंट्रीज को मिला के बनते हैं. कभी भी मैंने आज तक कोई ऐसा मैरी क्यूरी प्रोजेक्ट नहीं देखा जिसमें विद इन वन कंट्री सारे कंसोर्शियम पार्टनर्स हों. सो ये मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट होते हैं विद इन यूरोप. बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को भी बीच में इंक्लूड करते हैं, तो जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. देन लवली ट्रेनिंग बजट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोर देन 1800 जो रिसर्च बजट है आपके अकाउंट में होता है पर मंथ, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं. कुछ प्रोफेसर्स आपको अलाउ करते हैं कि आप परचेजिंग अपनी खुद करें, किसी इंस्टीट्यूट में आपको वो खुद करके देते हैं, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो वो डिफरेंट थिंग्स हैं. लेकिन मैरी क्यूरी में आपको कोई टेंशन नहीं होती इस पीएचडी प्रोजेक्ट में कि आपने कहाँ से रिसर्च बजट अरेंज करना है और ट्रैवलिंग कहाँ से अरेंज करनी है. इवन कि आप कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन गो विद दिस इनफ रिसर्च बजट. तो आप कुछ अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बात करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैरी क्यूरी पीएचडी स्कॉलरशिप जो है ये फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप है. तो जैसे ही आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं इंडस्ट्री के साथ या किसी रिसर्च सेंटर के साथ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ योर पीएचडी प्रोजेक्ट, तो तब से लेके टिल द लास्ट डेट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट सारी चीज़ें सारे एक्सपेंसेस उसी कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड होते हैं, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी फ़ी, इनरोलमेंट फ़ी, जो इवन के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो यूके बेस्ड होते हैं, यूके में फ़ी बहुत हाई होती है, लेकिन ये सारी कवर होती है आपके प्रोजेक्ट में से. ट्यूशन फ़ी से लेके इवन के कोई भी कोर्स आप अटेंड करते हैं, कोई भी वर्क रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, कोई परचेज करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, सारा कुछ इस प्रोजेक्ट में कवर होता है. फिर हेल्थ एंड वर्क एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं. ये इंश्योरेंस भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में कवर होती है. इवन के आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, जैसा जो हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ के रेगुलर एम्प्लॉय को मिलती है वही सेम आपको मिलती है. और ये अगर आप मैरिड हैं और आपकी फैमिली आपके साथ हैं तो आपकी फैमिली भी इसी हेल्थ इंश्योरेंस में इंश्योर्ड होती है.
फिर आप जो टैक्स पे करते हैं जो मैंने पहले बताया था 30-45%, उसमें जो सोशल कंट्रीब्यूशन है वो भी आप पे करते हैं जिसमें सारे इंश्योरेंसेस वगैरह होती हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आप एक अलाउंस भी पे करते हैं जो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो एज अ रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री तो आपको कुछ ड्यूरेशन के लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है जो आपकी सैलरी का मोर और लेस 20-50% होता है। तो ये वो आपको 6 माह या 1 साल के लिए देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। क्योंकि मेरी क्यूरी PhD प्रोजेक्ट जो है वो 3 साल के लिए फंडेड होते हैं, तो इस वजह से क्योंकि PhD जो होती है मोस्टली 3.5 ईयर या 4 साल ले जाती है, तो लास्ट जो आपके मंथ्स होते हैं वो इस तरह आप कवर कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पोस्ट डॉक पोजीशन या कोई ऐसी जॉब उसी इंडस्ट्री में मिल जाती है जो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद आपकी PhD को फंडिंग देते हैं। ये थे जी हमारी वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो जिसमें हमने देखा कि मेरी क्यूरी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में उसे टाइप करें, उस प्रोबेबली मैं भी आंसर दूंगा। और जो हमारी मेरी क्यूरी एल्यूमिनाई जो है पाकिस्तानी रिसर्चर्स जितने भी मेरी क्यूरी पे हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे कि हम टाइम बाय टाइम जो कमेंट्स हैं उन्हें रिव्यू करते रहें और आपको आंसर देते रहें। प्लीज़ देखना ना भूलिएगा हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है विच इज़ अबाउट हाउ टू सर्च अ मेरी क्यूरी PhD प्रोजेक्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।